अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? कैन यू हियर मी? अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन का, और इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशंस, और पार्ट सी सिक्स और सेवन चैप्टर में से सेवन चैप्टर की डोमिनेंस ज़्यादा होती है पेपर में। नॉर्मली ये देखा गया है एग्जामिनर एक आधी अटेम्प्ट में इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन कम आया था, अदरवाइज फॉर द लास्ट लाइक सो मेनी ईयर्स दिस क्वेश्चन हैज शोन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन योर एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे की एरियाज हैं उसमें हम सबसे पहले मोटिवेशन की थेरीज पे बात करेंगे। मोटिवेशन की कुछ क्लासिकल थेरीज हैं और कुछ मोटिवेशन की मॉडर्न थेरीज हैं। ये हमारे पास जो मोटिवेशन की थेरीज हैं दे आर द क्लासिकल वंस। इसमें फर्दर हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंटेंट थेरीज हैं कुछ और कुछ प्रोसेस थेरीज हैं। कंटेंट थेरीज डील विद द व्हाट फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, क्या चीज़ मोटिवेट करती है आपको। मोटिवेशन को अगर ईजीएस्ट वे में डिफाइन किया जाए तो मोटिवेशन एक ड्राइव होती है, एक फोर्स होती है जो आपको कुछ करने पे मजबूर करती है, दैट इज़ योर मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग करियर चाहिए, सो दैट इज़ अ ड्राइव विच फोर्सेज यू टू स्टडी हार्ड। आप चाहते हैं कि आप अच्छी सैलरी अर्न करें तो दैट रिवॉर्ड माइट बी अ मोटिवेटर। आप चाहते हैं कि आप अपने सोशल सर्कल में पहचाने जाएं, लोग आपको जानें ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दैट अनदर ड्राइव विच इज़ अ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बेसिकली एक फोर्स होती है, एक ड्राइव होती है, कुछ करने की जस्तजू होती है। ये फिजिकल नीड से भी ड्राइव होती है, भूख भी लगती है तो खाना ढूंढते हैं, ये भी मोटिवेशन है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये भी आपको मोटिवेट करती हैं, जब भूख लगी, जब प्यास लगी होगी फ़ौरन पानी पीने जाएंगे। तो क्या चीज़ है जो आपको ड्राइव कर रही है पानी की तरफ? वो मोटिवेशन है, वो नीड है जो आपको मोटिवेट कर रही है। तो मोटिवेशन एक बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, बड़ी हम इसे अपनी रूटीन लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली भी इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेशन डील्स विद अ ड्राइव और अ पुश, एक पुश है, एक ड्राइव है जो आपको किसी भी टास्क की तरफ लेके जाए। मोटिवेशन में हम तीन एरियाज को कवर करेंगे। पहला एरिया हमारी कंटेंट और प्रोसेस थेरीज के ऊपर है, इसमें हम पांच थेरीज पढ़ेंगे, पांच है आई गेस या चार है, अभी हम देखते हैं। खैर इसमें हाँ पांच ही है मेरा ख्याल है, इसमें हम पांच थेरीज पढ़ेंगे। फिर हम रिवॉर्ड सिस्टम और मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। रिवॉर्ड्स हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, रिवॉर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो रिवॉर्ड्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, रिवॉर्ड्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिवॉर्ड सिस्टम। एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट, ये मॉडर्न थेरीज ऑफ मोटिवेशन कहलाती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे। मॉडर्न मोटिवेशन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आज के दौर में आपको मोटिवेट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज टॉक अबाउट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थेरी, हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर थेरी, मैक्लेलैंड नीड थेरी। ये तीन थेरीज जो है कंटेंट है, हाँ चार थेरीज पढ़ेंगे, और ये एक थेरी जो है ये प्रोसेस थेरी है। तो बेसिकली दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं मोटिवेशनल थेरीज के अंदर, एक कंटेंट थेरीज कहलाती हैं और एक प्रोसेस थेरीज कहलाती हैं। कलेक्टिवली हम इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स में से चार थेरीज को डिस्कस करेंगे। तीन थेरीज कंटेंट थेरीज के अम्ब्रेला में फॉल करती हैं और एक थेरी प्रोसेस थेरी के अम्ब्रेला में फॉल करती है। वेल डिसीजन मेकिंग, देखें डिसीजन मेकिंग जो है दैट समथिंग डिफरेंट। मोटिवेशन माइट और माइट नॉट लीड यू टूवर्ड्स अ डिसीजन। प्यास लगी है बस कुछ पीना है, डू यू थिंक यू हैव टाइम टू डिसाइड के पानी पीना है या जूस पीना है या मोटिवेशन जो है वो आपके बिहेवियर को ड्राइव करती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मोटिवेशन जो है ये आपके बिहेवियर को ड्राइव करती है, एंड इट अलाउज यू टू एक्ट और बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। अब उस पर्टिकुलर वे के बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग होगी या नहीं होगी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ठीक है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर बिहेवियर के अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हों तो आप डिसीजन लें, या अगर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। मेरी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है क्या सबके लिए हो रही है? क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ सही आ रही है, डिस्टॉर्शन है
Okay, let me reconnect my आप कुछ बेहतर है? Is it still distorted or better? ओके चले तो बेसिकली मोटिवेशन को हम डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ रीजन और मल्टीपल रीजंस, एक या मल्टीपल रीजंस होती हैं जो आपके एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इंस्टिगेट करें. इंस्टिगेट से मुराद है उभारना, जाहिर करवाना. एंड दैट इन टर्न इम्पैक्ट अ जनरल डिजायर और विलिंगनेस ऑफ समवन टू डू समथिंग. ठीक, आपकी विलिंगनेस को डिफाइन करती है. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मोटिवेशन, बिजनेस में आपके जो एटीट्यूड्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स योर वर्क एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन डूइंग दैट वर्क. आई एम नॉट श्योर, मेरे पास तो इंटरनेट. अच्छा, लेट मी रिकनेक्ट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी रिकनेक्ट. मैं एक दफा रिकनेक्ट करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा. ओके, आप चेक करें, आप सही है, बेहतर है. अभी भी है डिस्टॉर्शन या बेहतर हुई है कुछ? सबके पास अब आवाज क्लियर आ रही है? चलें, थैंक गॉड. नो, मेरा ख्याल है शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू है. एनी हाउ, तो मैं ये बता रहा था कि बिजनेस के अंदर मतलब मोटिवेशन जो है ये आपके डिज़ायर और आपकी विलिंगनेस को इन्फ्लुएंस करती है. मोटिवेशन अफेक्ट योर विलिंगनेस एंड योर डिज़ायर टू डू समथिंग. आपके किसी काम को करने की जो एक विलिंगनेस है, जस्तजू है. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशनल थेरीज जो हैं दे आर कंसर्न टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल. आप किसी को जितना मोटिवेट करेंगे इतने चांसेस ज़्यादा हैं. जी, मोटिवेशन बेसिकली एक ड्राइव का नाम है. इट इज़ नोन एज अ ड्राइव. ड्राइव टू गिव समवन अ रीज़न टू डू समथिंग. मैं आपसे कहूँ ये जो वो लोग जो एक एग्जांपल आ रही है मेरे सेन में, लेट मी जस्ट फ्रेम इट प्रॉपरली. वो लोग जो सर्कस में, यार ये डिस्टॉर्शन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नॉट श्योर. ओके, आप लोग ऑनलाइन रहे, मैं ना फिर मीटिंग को क्विट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ. यू शुड स्टे ऑनलाइन ऑल ऑफ यू.
तो अच्छा, मुझे अभी फौसिया ने आई गेस कहा था कि मोटिवेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दूँगा। लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन कि मोटिवेशन जो है ये एक प्रोसेस को कहते हैं। इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच वी गिव पीपल अ रीज़न टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। आप किसी को रिवॉर्ड दें और आप उसे कहें कि कोई ख़तरनाक काम करे, तो उसकी क्या मोटिवेशन है? उसकी मोटिवेशन वो पैसा है ना। आप उसे एक सर्टन वे में बिहेव करने के लिए आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, सो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू बिहेव इन दैट मैनर। ही विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट टास्क। जैसे मैंने एग्जांपल कोट मैंने की थी अभी, मैं लगा था करने, जैसे सर्कस के परफॉर्मर्स होते हैं या एक्रोबैट्स होते हैं। अब आपने एक्रोबैट्स को देखा कभी सर्कस में परफॉर्म करते हुए, कितने खतरनाक परफॉर्मेंस वो देते हैं? वो क्या वजह है, वो क्यों अपनी जान इतने खतरे में डालते हैं? वाई वाई डू दे पुट देयर लाइफ एट रिस्क? क्योंकि उन्हें मोटिवेशन है। परफॉर्म करेंगे तो तारीफ होगी, परफॉर्म करेंगे तो पैसा मिलेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। कुछ रिवॉर्ड्स इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स एक्सट्रिंसिक होते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स इनर होते हैं, हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, और कुछ जो रिवॉर्ड्स हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, वो नज़र आते हैं। पैसा मिलेगा, ये एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है। तारीफ होगी, ये इंट्रिंसिक रिवॉर्ड है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मोटिवेशन का, दैट इज बेसिकली द वे इन विच यू गिव समवन एन इंडिविजुअल अ रीजन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, जो उसकी फिर डिजायर को इन्फ्लुएंस करेगा। वो फिर उस इंडिविजुअल की जो डिजायर है उसको अफेक्ट करेगा, एंड ही विल बी विलिंग टू डू समथिंग। आप किसी के बिहेवियर को ऑल्टर करने के लिए उसको एक रीजन दे रहे होते हैं कि अपना बिहेवियर चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, वो जो एक्रोबैट है, वो जो सर्कस का परफॉर्मर है, उसको आप एक रीजन दे रहे हैं कि वो एक सर्टन वे में बिहेव करे, रिस्क ले, और उसकी जो विलिंगनेस है उस काम को करने की, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रीजन यू आर गिविंग टू दैट पर्सन। आप उसे वजह क्या दे रहे हैं, आप उसको रीजन क्या दे रहे हैं? वो रीजन मॉनिटरी है, पैसा है। वो रीजन जो है वो नॉन मॉनिटरी है। फॉर एग्जाम्पल, तो बिजनेस वर्ल्ड में वी आर मोर कंसर्न अबाउट चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि हम उनकी अमाउंट ऑफ एफर्ट को चेंज कर सकें जो वो काम में डालते हैं। डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो काम को करने से रिफ्यूज कर सकते हैं, और दे माइट नॉट बी विलिंग टू गिव एक्सेसिव टाइम देन कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सप्लाई टाइम पे देनी है और आप अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि यार 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर ले, इवन दो यू आर विलिंग टू पे हिम मनी फॉर दैट। ओवर टाइम देने को तैयार है, लेकिन फिर भी वो कहेगा नहीं, मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं करना। मीन्स कि वो डीमोटिवेटेड है, ही इज नॉट विलिंग टू वर्क। जबकि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज जो होते हैं, दे कैन डू वट एवर इट टेक्स टू सिक्योर रेवेन्यू और अ क्लाइंट। इट मीन्स दे कैन डू वट एवर इट टेक्स टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्टली। यू माइट नॉट बी गिविंग अ वेरी स्ट्रांग रीजन जिसकी वजह से वो डीमोटिवेटेड है, और इवन दो यू आर गिविंग अ वेरी स्ट्रांग रीजन, बट ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट टास्क, क्योंकि कुछ प्रीवियस ग्रज रखा हुआ उसने आपके साथ। दोनों केसेस में डीमोटिवेटेड है, या तो रीजन पुअर है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओवर टाइम बहुत कम दे रहे हैं, बंदा काम नहीं करेगा, इट मीन्स के रीजन पुअर है। और देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उसे ओवर टाइम तो ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन किसी और चीज में। वो कहते हैं नहीं, मैंने घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसकी मोटिवेशन किसी और चीज में। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट होती है यहाँ पे कि फिर क्या आप इस काबिल हैं कि आप उसकी मोटिवेशन को। अच्छा, फिर यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आगे जाके पढ़ेंगे कि पर्सन टू पर्सन मोटिवेशनल कंटेंट वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेबर क्लास का इंडिविजुअल है, एक वर्कर है फैक्ट्री का, उसके नज़दीक पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्वियसली उसने उसने घर अपने खाना लेके जाना है। उसे आप कहें जी कि तुम काम करो, तुम्हें शाबाश दूंगा, तुम्हारी कमर पे थक्की दूंगा, वो कभी भी काम नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे बताएं मुझे पैसा कितना देंगे ओवर टाइम का। इसके बरक्स एक सीनियर मैनेजर है, उसके नज़दीक रिकग्निशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके नज़दीक वो तालियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो उसके लिए बचती हैं एक बोर्ड मीटिंग के अंदर। तो आप उसे कहें कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें 100 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा, तो ये उसकी तजलील होगी ना, उसकी तजहीक होगी। तो आगे जाके डिफाइन करते हैं अभी कि कौन कौन से फैक्टर्स मोटिवेट करते हैं। पर्सन टू पर्सन मोटिवेशनल फैक्टर्स भी वेरी करते हैं। एग्जैक्टली, प्रायोरिटाइज करना इंडिविजुअल की नीड्स को, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी एग्जैक्टली इसी मॉडल के ऊपर है। मैस्लो कहता है कि नीड्स को प्रायोरिटाइज करें, सबसे पहले देखें कौन सी नीड पूरी करनी है, फिर उसके बाद अगली नीड पे आए, फिर अगली नीड पे आए। नीड्स मोटिवेट करती हैं।
जब तक आप लोगों की ज़रूरियात को सेटिस्फाई करते रहेंगे, लोग मोटिवेट होते रहेंगे, और जैसे ही आप लोगों की ज़रूरियात को सेटिस्फाई करना बंद करेंगे, लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। यस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक इन दिस प्रोसेस। ये एग्जैक्टली आप वाली बात है, ये पढ़े ना। इफ मैनेजर अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज, दे माइट बी एबल टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव देयर मोटिवेशन। तो अगर सिर्फ आप ये समझ जाए ना कि किस चीज़ से आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एंड बीइंग अ मैनेजर ये समझना बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ मैनेजर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका एम्प्लॉय किस चीज़ से मोटिवेट होता है। वी हैव टू थेरीज ऑफ मोटिवेशन, कंटेंट थेरीज है और प्रोसेस थेरीज। कंटेंट थेरीज जो है ये व्हाट फैक्टर को डिफाइन करती हैं, क्या चीज़ मोटिवेट करती है। पैसा मोटिवेट करता है, सोशल एफिलिएशंस मोटिवेट करती हैं, ईगो मोटिवेट करती है, व्हाट व्हाट मोटिवेट्स, सेफ्टी सिक्योरिटी मोटिवेट करती है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है। और प्रोसेस थेरीज जो है ये डिस्कस करती है मोटिवेशन के प्रोसेस को, हाउ मोटिवेशन अकर्स। एक एम्प्लॉई को हम किन किन फैक्टर से, किन किन सिचुएशन से गुजारते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए। सो वी हैव टू ब्रॉड अम्ब्रेलाज ऑफ मोटिवेशन, कंटेंट थेरीज हैं और प्रोसेस थेरीज हैं। तीन थेरीज हम पढ़ेंगे कंटेंट थेरीज के अम्ब्रेला में, और एक थेरी हम पढ़ेंगे प्रोसेस थेरी के अम्ब्रेला में। तो टोटल चार थेरीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। We have total of four theories to talk about under the umbrella of content theories and process theories. Content theories जो हैं ये concentrate करती हैं what factor के ऊपर, what motivates an individual. Content theories के अंदर एक बड़ा serious flaw है, बड़ा serious drawback है, और वो ये है कि हम assume कर लेते हैं कि दुनिया का हर इंसान एक वक्त में एक ही तरह से motivate होगा, लोगों की needs common होती हैं। ये एक बड़ी बुरी assumption है इसकी, जो कि प्रोसेस थेरीज में जाके अपडेट हो जाती है और मॉडर्न थेरीज इसको चेंज कर देती हैं। तो कंटेंट थेरीज समझती हैं कि जो नीड्स हैं लोगों की वो कॉमन है, एंड वी कैन मोटिवेट देम इन द सेम वे। फॉर एग्जांपल, कंटेंट थेरीज का बिलीव ये है कि रिवॉर्ड्स कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड दे कैन बी मोटिवेटेड बाई गिविंग द रिवॉर्ड्स। हालांकि ऐसा नहीं होता, रिवॉर्ड्स डिपेंड करता है कि किसको आप मोटिवेट कर रहे हैं, उसकी पर्सनल डिजायर पे डिपेंड करेगा कि वो किस किस्म के रिवॉर्ड से मोटिवेट होगा। हम तीन कंटेंट थेरीज को पढ़ेंगे। पहली है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थेरी, बहुत इंपॉर्टेंट थेरी है, पेपर में दो दफ़ा आ चुकी है। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थेरी, 10 नंबर का सवाल इसके ऊपर पेपर में आ चुका है। मैकक्लेलैंड नीड थेरी अभी रिसेंटली आई थी पेपर में, सितंबर की अटेम्प्ट में आई थी, 9 नंबर का सवाल था इसके ऊपर। तो ये तीनों थेरीज पेपर में बड़ी डिटेल में टेस्ट हो चुकी हैं। आपकी अटेम्प्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थेरी जब वो मैस्लो की है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थेरी फॉर योर अटेम्प्ट इज मैस्लो। इनफैक्ट नॉट 100%, आई कैन से इट विद 99% श्योरिटी कि मैस्लो की थेरी पेपर में आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद है प्रोसेस थेरीज। तो प्रोसेस थेरीज जो हैं ये कॉन्सेंट्रेट करती हैं प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन के ऊपर, एक इंडिविजुअल की मोटिवेशन की स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। कंटेंट थेरीज हैं वो स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करती, कंटेंट थेरीज ये नहीं बताती कि इंडिविजुअल कितना मोटिवेट हुआ है, कैसे मोटिवेट हुआ है ये बता देती हैं। रिवॉर्ड से मोटिवेट हुआ है, नीड से मोटिवेट हुआ है, कैसे मोटिवेट हुआ है ये बता देती हैं, कितना मोटिवेट हुआ है ये नहीं बताती। ये बताती हैं प्रोसेस थेरी, हाउ द पीपल आर मोटिवेटेड। और यहाँ पे आप एक वर्ड और ऐड कर दें, हाउ मच आर द पीपल मोटिवेटेड, हाउ मच भी कर लें ठीक, कितना लोग मोटिवेट होते हैं और कैसे लोग मोटिवेट होते हैं। तो जो प्रोसेस थेरीज हैं ये आपके व्हाट के साथ साथ हाउ को भी आंसर करती हैं, दे ऑल्सो आंसर हाउ अलॉन्ग साइड ऑफ व्हाट। प्रोसेस थेरी कहती है कि इंडिविजुअल का मोटिवेशनल लेवल वेरी करता है, हर इंसान का मोटिवेशनल लेवल डिफरेंट होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें व्हाट तो है ही है, ये नीड्स है व्हाट, फिर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी परसेप्शन है, आपके रिवॉर्ड्स की नेचर है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वर्क प्लेस से, और उन रिवॉर्ड से जो आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे प्रोसेस थ्योरी के अंदर। विक्टर रूम की थ्योरी में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स एंड परसेप्शन अबाउट द रिवॉर्ड्स आर द की फैक्टर इन प्रोसेस थ्योरी। रिवॉर्ड तो आप दे ही रहे हैं, उन रिवॉर्ड्स की परसेप्शन क्या है, मीन्स वो रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है किसी के लिए और कितना अनइम्पॉर्टेंट है दूसरे के लिए। जैसे भी एग्जाम्पल दिया आपने कि एक लेबर का जो वर्कर है वो तो मोटिवेट हो जाता है 100 रुपीज़ के कैश रिवॉर्ड से, लेकिन एक सीनियर मैनेजर जो है उसे 100 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड तो मोटिवेट नहीं करेगा ना।
So that might not be an appropriate motivator for the senior manager, but it can be a motivator for the junior manager. Two theories are process theory mein. Victor Room expectancy model hai. और हैंडी इज मोटिवेशनल कैलकुलस, इसका सिर्फ नाम है, ये थ्योरी किताब में डिस्कस नहीं की जा रही, इसका सिर्फ नाम दिया गया है किताब के अंदर. सो हम विक्टर रूम का मॉडल पढ़ेंगे. तो हम टोटल चार थ्योरीज पढ़ेंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज. यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन सो फार? सो दैट मैस्लो को शुरू करें. मैस्लो इज अ वंडरफुल थ्योरी. ओके ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विद मैस्लो फर्स्ट. अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो की थ्योरी जो है ये दुनिया की बड़ी मशहूर थ्योरी है. बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, एचआर के अंदर इस थ्योरी का इस्तेमाल हर बिजनेस प्रोसेस में होता है. यूएस साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी बनाई थी जिसको उसने मोटिवेशनल नीड थ्योरी का नाम दिया था. इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. मैस्लो ने कहा था कि इंसान को वही चीज़ जो मोटिवेट करती है, और ये थ्योरी देखें कितनी पुरानी है, तकरीबन 60-70 ईयर्स ओल्ड थ्योरी है. तो इस थ्योरी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है. अब बहुत सारी अजम्पशन इस थ्योरी के गलत साबित हो रही है, लेकिन अभी भी ये थ्योरी वैलिड है. अभी भी ये थ्योरी मोटिवेशन के अंदर एक नुमाया मुकाम रखती है. मैस्लो ने कहा था कि सात इनबिल्ट नीड्स होती हैं जो कि मोटिवेटिंग पावर का रोल प्ले करती हैं एक इंसान के लिए. इन सात नीड्स को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया था. मैस्लो ने कहा था दैट देयर आर सेवन नीड्स और अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, तो मैस्लो के मुताबिक देयर आर सेवन नीड्स दैट मोटिवेट पीपल इसमें से उसने दो नीड्स को हायर ऑर्डर नीड्स कहा था और पांच नीड्स को हायरार्की ऑफ नीड्स कहा था. There are two needs which are higher order needs and there are five needs which fall under hierarchy of needs. ये दो जो higher order needs हैं ये कौन कौन सी हैं? जो higher order needs उसने बताई थी ये है need for knowledge and need for freedom of expression. ये दो needs जो हैं, जब तक ये दो needs आपकी satisfy नहीं होंगी ये पांच needs काम ही नहीं करेंगी. और ये दोनों needs जो हैं ये एक इंसान का बुनियादी पैदाइशी हक है satisfy करना, freedom of expression and freedom of living. अल्लाह ताला ने इंसान को free पैदा किया. फ्री से मुराद है कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं, ठीक है ना? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ नॉलेज जो है ये बेसिकली दो हायर ऑर्डर नीड्स कहलाती हैं. इन्हें कहते हैं हायर ऑर्डर नीड्स दैट मस्ट बी मेट बिफोर अदर फाइव नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड. पहली नीड है नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड नीड फॉर एक्सप्रेशन. ये आपका बुनियादी हक है. आपका बुनियादी हक है कि आप इंक्वायरी करें. इंक्वायरी से मुराद है आप इंक्विजिटिव हों. इंक्विजिटिव होने का मतलब है कि आप नेचर के जो हिडन ट्रायर्स हैं, जो इसके रमूज हैं, उनसे आप आगाह हों और आप अपने आप को एक्सप्रेस करें. दिस नीड मस्ट अलाउ यू टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड करेज, जस्टिस, ऑनेस्टी, फेयरनेस. आपका हक है कि आपको फेयरली ट्रीट किया जाए. आपका हक है, फॉर एग्जाम्पल एक गुलाम है ना, उस गुलाम को आप जो मर्जी खाने को देते हैं उसको मोटिवेट ही नहीं करती कुछ नीड, ठीक है? और दूसरी नीड है नीड फॉर नॉलेज. ये आपका हक है कि आप जाने, ये आपका हक है कि आप एक्सप्लोर करें, आप एक्सपेरिमेंट करें. ये दो नीड्स इनको हम हायर ऑर्डर नीड्स कहते हैं.
जब तक ये दो नीड्स एक इंसान की पूरी नहीं होती, अगली पांच उसे मोटिवेट करती नहीं, क्योंकि वो अगली पांच नीड्स को कंट्रोल ही नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन, एक बंदे को पैदा होते ही आपने जेल में बंद कर दिया और उसे आप अपनी मर्जी से खाने को देते हैं, अपनी मर्जी से पीने को देते हैं, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप को, अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करने की, कुछ जानने की। जस्ट इमेजिन समवन इज जस्ट यू नो कन्फाइंड इन अ सिंगल रूम। एक बंदे को आपने कमरे में बंद कर छोड़ा 20 साल और उसे आप टाइम पे खाना खिला देते हैं, डू यू थिंक कि उसे कोई चीज़ मोटिवेट करेगी? कुछ भी नहीं उसे मोटिवेट करेगा, वो बस जिंदगी गुजारेगा अपनी। तो दिस इज हाउ दीज नीड्स बिकम द फाउंडेशन। फिर जो अगली पांच नीड्स हैं उन्हें हम हायरार्की ऑफ फाइव नीड्स कहते हैं, दैट इज नोन एज हायरार्की। तो ये जो आपके सामने ये जो हायरार्की है, फिर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं पिरामिड। हेयर वी ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ नीड्स। तो बेसिकली सेवन नीड्स हैं मोटिवेशन की, दो हायर ऑर्डर नीड्स हैं और पांच हायरार्की ऑफ नीड्स हैं। हायर ऑर्डर नीड्स जो है, नीड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड नीड फॉर नॉलेज एंड इंक्वायरी। नीड फॉर नॉलेज एंड इंक्वायरी, ये आपका बुनियादी हक है कि आप इंक्वायर करें, आप नॉलेज गेन करें। मैस्लो की जो थ्योरी है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, इस थ्योरी की कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। मैस्लो कहता है कि लोअर लेवल नीड जो है वो डोमिनेट करती है आपकी मोटिवेशन को जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। जो हायरार्की ऑफ नीड है ना, फॉर एग्जाम्पल, ये जब तक फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, सेफ्टी नीड्स आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। जब तक सेफ्टी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होंगी, सोशल नीड्स मोटिवेट नहीं करेंगी। तो मैस्लो के मुताबिक ये जो पांच नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल जो बुनियादी नीड्स हैं, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सेफ्टी नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, एस्टीम नीड्स हैं और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हैं। मैस्लो कहता है कि जब तक एक लोअर लेवल नीड डोमिनेट रहेगी, ऊपर वाली नीड मोटिवेट नहीं करेगी। जब नीचे वाली नीड फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ऊपर वाली नीड फिर मोटिवेट करेगी, नेक्स्ट लेवल विल बिकम डोमिनेट। फिर मैस्लो की एक और अजम्पशन है कि नीड दैट हैज बीन सेटिस्फाइड नो लॉन्गर मोटिवेट्स यू। जब एक नीड आपकी पूरी हो गई, तो वो नीड अब आपको दोबारा मोटिवेट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फिक्स जॉब है, आपकी लगी बंदी सैलरी है, तो अब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, अब वो मजीद मोटिवेट नहीं कर रही है आपको, अब उससे ऊपर कोई ना कोई नीड आपको मोटिवेट करेगी। मैस्लो कहता है कि एक वक्त में एक इंडिविजुअल सिर्फ एक लेवल ऑफ नीड से सेटिस्फाई हो रहा होता है जो अभी तक मोटिवेट हो रहा होता है जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। ये भी एक अजम्पशन है। और एक और अजम्पशन है कि जो हाईएस्ट लेवल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ये नीड कभी भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये नीड फुल्ली सेटिस्फाई हो गई, तो आपका जिंदगी में, आपका दुनिया में आने का मकसद फौत हो गया, फिर आपके लिए फिर जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम अचीव तो कर लेते हैं, बहुत कम लोग इस लेवल से मोटिवेट होते हैं, लेकिन दिस नीड कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं और दीज एजम्पशंस आर नाउ बीइंग चैलेंज्ड। इन्हीं एजम्पशंस को अब चैलेंज किया जा रहा है। ये सारी की सारी जो एजम्पशंस हैं, इनको अब चैलेंज किया जा रहा है कि एक वक्त में मल्टीपल नीड्स मोटिवेट कर सकती हैं, एक वक्त में ये पॉसिबल नहीं है कि नीचे वाली नीड जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, ऊपर वाली नीड आपको मोटिवेट नहीं करेगी। इस तरह की अब चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने को मिल रहे हैं। तो हम इन पांचों नीड्स को एक पिरामिड में डेवलप करते हैं। पिरामिड में इसको, इन पांचों नीड्स को ऑर्गेनाइज करने का पर्पज है खास। पिरामिड का जो बॉटम है, आप देखें उसका एरिया ज़्यादा है। जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे, एरिया कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि दुनिया में 99.99 लोग परसेंट लोग जो हैं, वो अपनी ये वाली नीड मोटिवेट कर लेते हैं। खाना हर कोई खाता है, कपड़े हर कोई पहनता है, सोता हर कोई किसी ना किसी छत के नीचे है, तो ये वाली नीड तो हर कोई अपनी सेटिस्फाई कर ही रहा होता है। फिर कुछ लोग इस नीड के लेवल पे आते हैं, उनसे कम लोग इस लेवल पे आते हैं, बहुत कम लोग एस्टीम नीड से मोटिवेट होते हैं, और बहुत हैंडफुल ऑफ पीपल, अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू रीच दिस लेवल ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। इस लेवल को कोई कोई पहुंच पाता है, इस लेवल से कोई कोई मोटिवेट होता है। तो जो पिरामिड है, ये मैं अभी बारी बारी सारी एक्सप्लेन करूँ, बारी बारी सारी एक्सप्लेन होती है। एस्टीम, एस्टीम हमने वर्ड डिस्कस किया था, आपको याद होगा। एस्टीम कहते हैं ईगो, याद है 6th चैप्टर में मैंने कहा था हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम की बात की थी हमने, ठीक है। तो एस्टीम, वो तो खैर हमने बड़ा ही क्रूडली उसे ईगो कह दिया था। एस्टीम इज नॉट ओनली ईगो। एस्टीम का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे दुनिया आपको देखती है, हाउ डू यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी यू, ये आपकी एस्टीम होती है कि आप दुनिया की नज़र में अपने आप को कैसे
चाहते हैं कि दिखाएं। अभी डिस्कस करते हैं बारी बारी पांचों नीड्स को। ओके, द वेरी फर्स्ट नीड इज योर फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल, फिजियो मीन्स योर बॉडी, योर योर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स हैं जो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात के साथ मुंसलिक हैं। दीज नीड्स आर एसोसिएटेड विद योर बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, सर्वाइवल। एग्जैक्टली, दीज नीड्स आर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ये नीड सेटिस्फाई नहीं होंगी तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। एंड दीज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड बाय मनी। पैसा इन नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ये जो बेगर्स जो होते हैं, ये इनका प्राइम पर्पस यही होता है कि इनको भीख मिल जाए और ये अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर लें। ये दो टाइम का खाना खा लें, तन पे कपड़े पहन लें, किसी छत के नीचे जाके सो जाए। तो ये 99.99% पीपल इन द वर्ल्ड, हम एज्यूम कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो फ्री हैं, जो किसी की कैद में नहीं है। और ये वो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, यहाँ पे ये वो लोग हैं जो जिनके पास ये कंप्लीट आज़ादी है कि वो नॉलेज को एक्वायर कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दो नीड्स तो हर एक भिखारी की भी ये दो नीड्स पूरी हो रही होती हैं, क्योंकि वो फ्री है ना, उसे कोई रोक तो नहीं रहा। वो जिस मर्जी सिग्नल पे खड़ा होकर भीख मांगे, उसके अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, उसके पास कंप्लीट आज़ादी है, वो चाहे तो इल्म हासिल करे। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दो नीड्स जो हैं वो हर इंसान की पूरी हो रही हैं। तो जिन इंसानों की ये दो नीड्स पहली बारी पूरी हो रही होती हैं, उनमें से 99.99% पीपल आर एबल टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ नीड, और इससे वो मोटिवेट होना फिर बंद कर देते हैं। क्योंकि जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाएंगी ना, जब आपको पता होगा कि मेरे पास अब जॉब है, मुझे खाने की टेंशन नहीं है, मुझे पहनने ओढ़ने की टेंशन नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक अच्छे फैमिली सेटअप से सारे बिलोंग करते हैं। तो आपको कभी ये टेंशन हुई है कि आपने रात को कहाँ से खाना है, क्या खाना है? ये सोच आती है हमें, वी हैव यू नो कम्प्लीट ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन कहाँ से खाना है, क्या सोर्सेज हैं हमारे पास रात के खाने के, हम कभी नहीं सोचते ना। वी नेवर थिंक अबाउट इट, एंड सो वी आर नेवर मोटिवेटेड बाय दिस नीड। हमें हमें ये वाली नीड से मोटिवेट भी नहीं करती। हम इसलिए नहीं सीए कर रहे कि हमें आने वाले कल में खाने के लाले पड़ जाएंगे। हम सीए शायद इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हमारा एक नाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको शायद सीए करने की जो मेजर नीड है वो सोशल नीड हो सकती है, दैट माइट नॉट बी अ फिजियोलॉजिकल नीड। एक मजदूर जो है वो ईंटें तोड़ता है बैठ के, वो इसलिए तोड़ता है ईंटें बैठ के कि उसने रात को घर खाना लेके जाना होता है। उसकी जो नीड उसे मोटिवेट कर रही है वो फिजियोलॉजिकल नीड उसे मोटिवेट कर रही है, उसकी सोशल नीड उसको मोटिवेट नहीं कर रही। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि आपकी जो जिस्मानी ज़रूरियात हैं ये सबसे बुनियादी हैं। हम मतलब पीपल हु बिलोंग फ्रॉम अ रिप्यूटेबल यू नो हायर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उन लोगों को खाने पीने की फिक्र नहीं होती, जेब में पैसे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू गो फॉर फास्ट मनी एज वेल, देन वाई यू नो वेट फॉर डिग्री और देन अर्निंग। तो डिफरेंट बेसिकली वेज है। एनी वेज, सबसे पहली नीड, अच्छा जब ये नीड आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, जब आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, फिर आप आते हैं सेफ्टी नीड्स पे। हर इंसान जॉब सिक्योरिटी चाहता है, सिक्योरिटी एट वर्क चाहता है, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से बचना चाहता है। अच्छा, मैनेजमेंट इस नीड को कैसे पूरा करती है? आपको पेंशन बेनिफिट्स दे के, आपकी इंश्योरेंस करवा के, फेयर ट्रीटमेंट एट वर्क के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट लॉज क्यों बनाए जाते हैं? इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं कि एम्प्लॉय को ये ना लगे कि मुझे मिसफेयरली ट्रीट किया जा रहा है वर्क प्लेस के ऊपर। एम्प्लॉय को ये ना लगे कि उसे गलत वे में ट्रीट किया जा रहा है वर्क प्लेस के ऊपर। तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको सेफ्टी मुहैया की जा सके। इसी तरह पेंशन स्कीम है। ये इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं? इंश्योरेंस वाले बेसिकली आपकी सिक्योरिटी नीड्स को टारगेट करते हैं। आज जोड़ें कल अय्याशी करें। इंश्योरेंस के जो लोग हैं, पता ना इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आपको ना, कि यू 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 सेव इन स्मॉल अमाउंट सो दैट यू कैन हैव। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। अब लोग लाइफ इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? ताकि उनके बच्चों का कल उनका मुस्तकबिल सिक्योर रहे।
अगर वो कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए, उन्हें कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कल को उनके जो बच्चों का फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। तो जब आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होनी शुरू हो जाती हैं, फिर आपकी सिक्योरिटी नीड्स आपको मोटिवेट करती हैं और आपको कहती हैं क्योंकि फाइन नाउ यू हैव टू वर्क हार्डर। फिर आती हैं सोशल नीड्स। अच्छा, जब आपकी सेफ्टी नीड भी पूरी हो जाती हैं, फिर आप मोटिवेट होते हैं सोशल नीड्स। इंसान एक सोशल एनिमल है एंड वी नीड टू इंटरेक्ट विद अदर्स। हमें दूसरों से इंटरेक्ट करना है, हमें दूसरों से मिलना है, जुलना है। आपकी सोशल नीड्स आपको मोटिवेट करती हैं। एट वर्क पीपल वर्क हार्ड बिकॉज दे वॉन्ट टू बी सोशली प्रोनाउंस्ड। वो चाहते हैं कि वो सोशली नोन हो, उनकी सोशली प्रोनाउंस्ड हो, वो ज़्यादा डोमिनेंट हो सोशली। ठीक है, वाई डू पीपल स्मोक? स्मोकिंग किस नीड को पूरा करती है? आपकी सोशल नीड को पूरा करती है। ठीक है ना, स्मोकिंग नेवर सेटिस्फाइज योर फिजियोलॉजिकल नीड। सिगरेट नहीं भी पियेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। सिगरेट नेवर सेटिस्फाइड योर सेफ्टी नीड। सिगरेट सेटिस्फाइज योर सोशल नीड। तो डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, ये बेसिकली डिफरेंट नीड्स को टारगेट कर रहे होते हैं और आपकी मोटिवेशन इन नीड से ड्राइव हो रही होती है कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। फिर आती हैं एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आर ईगो सेटिस्फाइंग नीड्स। हाउ डू यू वॉन्ट टू बी फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ? आपकी अपनी इंपॉर्टेंस, आपकी अपनी वैल्यू क्या है? सड़क पे क्रोला, टोयोटा क्रोला, होंडा, बड़ी गाड़ियां चल रही होती हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू जब जाती है तो लोग मुड़ के देखते हैं। तो वो जो बंदा बीएमडब्ल्यू के लिए मेहनत करता है, बीएमडब्ल्यू खरीदता है, उसकी एस्टीम नीड्स काम कर रही होती है। ठीक है ना, इसी तरह ये आप ब्रांड्स की मिसाल ले लें, क्लॉथिंग ब्रांड्स की मिसाल ले लें। ठीक है, मतलब लोकल मार्केट में चले जाएं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप ब्रांड ही क्यों पहनते हैं? क्योंकि यू वांट टू फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ। सना सफीनाज ही क्यों पहनना है, खाड़ी ही क्यों पहनना है? ताकि आप अपने आप को, आप एक स्टेटस एंजॉय कर सकें, सो दैट यू कैन एंजॉय अ स्टेटस। ठीक है, आपका जो स्टेटस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन जो है ये शॉर्ट टर्म एस्टीम देती है आपको। लॉन्ग टर्म एस्टीम के अंदर लोग एस्टीम हासिल करते हैं बाय बिकमिंग देयर ओन बॉस, बाय नोइंग दैट नाउ देयर ओन बॉस, और वो अपना काम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे आपको एस्टीम मिलती है। बच्चे जो होते हैं ना, इनको आप डांट डपट करके इनसे काम करवाते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर आप उसको अलाउ करते हैं कि वो अब अपने ओन पे डिसीजन मेकिंग करें। जैसे जब आप बड़े होते हैं तो आपको अलाउ करते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग अब अपनी खुद करें। दैट अफेक्ट योर एस्टीम। ये चीज़ अब आपकी एस्टीम को इन्फ्लुएंस करती है। इस चीज़ से अब आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो पैदा होती है। तो सेल्फ एस्टीम को हम ईगो सेटिस्फाइंग नीड्स भी कहते हैं। नॉर्मली एस्टीम नीड्स आर द नीड्स दैट मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू वॉन्ट टू बी सीन बाई अदर्स। कैसे आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे। इसके बरक्स सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं कि हम कैसे अपने आप को देखते हैं। हाउ डू वी सी आवर ओन सेल्फ? हाउ आर वी मेकिंग आवर सेल्फ एबल टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ? हम जिंदगी में कुछ वर्थ वाइल कैसे अचीव कर सकते हैं? अब्दुल सतार ईदी का नाम सुना होगा आपने। एक कमरे के घर में फौत हुआ है बेचारा। वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एम्बुलेंस दुनिया में ईदी का है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है कि ईदी का जो नेटवर्क है ना एम्बुलेंसेस का, वो पूरी दुनिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में। ईदी को क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? वट वट डिड मोटिवेट ईदी? क्या ईदी को पैसा मोटिवेट करता? ईदी को सेल्फ एक्चुलाइजेशन मोटिवेट करती थी। यानी जिस दिन आपको पता लग जाए ना कि आपका दुनिया में आने का पर्पस क्या है, इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुलाइजेशन। द डे यू विल रियलाइज दैट वाई वर यू बॉर्न, देयर इज अ पर्पस ऑफ एवरीबॉडी टू बी इन द वर्ल्ड। कुछ लोग, ये बहुत कम लोग, बहुत कम लोग अपनी ज़िंदगी में ये पर्पस एक्सप्लोर कर जाते हैं, और कुछ लोगों को ये पर्पस नहीं मिलता। थ्रू आउट देयर लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं, एस्टीम नीड्स की हद तक अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं। जिस दिन आपको ये पता लग जाए ना कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसे कहते हैं सेल्फ रिवीलिंग, सेल्फ एक्चुलाइजेशन। और ये नीड जो है ये कॉन्टिन्यूसली आपको मोटिवेट करती रहती है टुवर्ड अचीवमेंट एंड टुवर्ड सक्सेस। अब्दुल सत्तार ईदी जो है वो
हमेशा मेहनत करता रहा अपने नेटवर्क को ग्रो करने में, कभी फुल स्टॉप नहीं लगाया उसने। इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुलाइजेशन, अचीविंग समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। दिस नीड ड्राइव यू टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। दिस नीड कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। जो इंडिविजुअल इस नीड के ऊपर मोटिवेट हो रहे होते हैं वो कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ सक्सेस और अचीवमेंट का हिस्सा बन चुके होते हैं, ग्रोथ में आ चुके होते हैं और मरते दम तक वो इसी नीड से मोटिवेट होते रहते हैं। तो इसलिए ये नीड जो है ये, क्योंकि अल्टीमेटली देखें जिंदगी में अगर मोटिवेशन जीरो हो गई ना तो जिंदगी का पर्पस खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली यू आर जस्ट अ डेड बॉडी। मोटिवेशन जब तक रहती है ना, पर्पस रहता है जिंदगी का, मोटिवेशन रहती है तो आप करते रहते हैं काम। सैटरडे है, अच्छा मौसम है, बाहर धूप वगैरह निकली हुई है, फैमिली के साथ जाएं, आउटिंग करें। क्या पढ़िए आपको कि आप इस ऑनलाइन क्लास में मेरी तस्वीर के बगैर आती हुई सिर्फ आवाज़ सुने। एक मोटिवेशन ही है ना पीछे। वो मोटिवेशन क्या है? पेपर पास करना है, पढ़ना है। पर्पस क्या है लाइफ में? ग्रो करना है, करियर बनाना है। दीज आर डिफरेंट नीड्स दैट आर ट्रिगरिंग एंड यू आर हेयर एंड आई एम ऑल्सो हेयर। मेरी मैं घर जाके फैमिली को टाइम दूँ, मैं घर जाके अपने बच्चों के साथ ना वक्त वक्त गुजारूँ। वाई एम आई हेयर? देयर इज सम मोटिवेशन बिहाइंड। आई हैव टू सेटिस्फाई सम नीड्स ऑफ माई फैमिली। ठीक है ना? नहीं, इट इज नॉट ट्रू। मोटिवेशन इज नॉट एन एग्जॉस्टेबल सोर्स, इट कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड। देखिए मोटिवेशन जिस दिन आपकी एग्जॉस्ट होगी ना, समझे वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो दिन आपकी लाइफ का लास्ट डे होगा जिस दिन आपकी मोटिवेशन एग्जॉस्ट होगी। मोटिवेशन कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड और ना होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी मोटिवेटेड, यू शुड ऑलवेज बी थ्राइविंग हार्डर इन यू नो फॉर समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, डूइंग एफर्ट एंड डूइंग हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग इन लाइफ। मोटिवेशन जो होती है ये जिंदगी में आपको ट्रैक पे रखती है, ये जिंदगी में आपको कनेक्टेड रखती है। जब तक मोटिवेटेड रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जैसे ही मोटिवेशन खत्म होगी मेहनत खत्म हो जाएगी, मेहनत खत्म होगी करियर खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली यू विल नॉट बी हैविंग अ पर्पस टू लिव। प्यास लगी हुई है, बैठे रहना ना पानी पिए कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? नीड स्ट्रांग होती जाएगी ना, प्यास बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, एक दिन पानी नहीं पियेंगे। रिसर्च के मुताबिक पानी जो है इतना इंटेग्रल कंपोनेंट है कि विद इन 3 डेज इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर तो आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, एंड विद इन लाइक 4 डेज अ पर्सन इज नो मोर। ठीक है? सो मोटिवेशन जो है इसी तरह नींद, क्यों सोते हैं जाग के देखें ना जरा, लेकिन फिजियोलॉजिकल नीड है ना, जरूरत है। तो मोटिवेशन कैन नेवर बी एग्जॉस्टिव, कभी भी एग्जॉस्टिव नहीं हो सकते। It will always stay. It will always be there. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? Any question so far? बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ कि आपको इस थ्योरी को किसी भी वे में टैकल करना आना चाहिए, चाहे इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सिचुएशन दी जाए और कहा जाए बताएं कौन सी नीड मोटिवेट कर रही, ये भी आपको आना चाहिए। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही आया है, बट चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर इसके ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पुट करे, सिनेरियोस दे दे और आपसे पूछे हाँ जी बताएं विच नीड इज द प्राइम मोटिवेटर, कौन सी नीड जो है वो मोटिवेट कर रही है। सो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन। चले, सिग्निफिकेंस इसकी और इसकी लिमिटेशन, ये हम फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। मंडे को हम हर्ज़बर्ग थ्योरी पढ़ेंगे साथ इसके और मैस्लो कंप्लीट करेंगे। जी बेटा, एस्टीम नीड्स होती हैं ईगो सेटिस्फाइंग नीड्स। ईगो सेटिस्फाइंग यानी एस्टीम नीड्स आर द नीड्स इन विच यू वांट टू फील गुड अबाउट यू। हाउ डू यू वांट अदर्स टू सी यू, आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे? आप चाहते हैं कि दुनिया आपको एक कामयाब इंसान के तौर पर देखे, तो ये आपकी एस्टीम नीड है। देखे ना, एक एम्प्लॉई एक कंपनी में नौकरी करता है, उसे अच्छी गाड़ी मिली हुई है, उसे होंडा सिटी मिली हुई है उसे, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता है कि नहीं मैंने प्रमोट होकर ना कंपनी का सीईओ बनना है, और बड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि सीईओ लेवल पे बीएमडब्ल्यू मिलती है।
अब कौन सी नीड से मोटिवेट कर रही है, उसके पास खाना पीना है, उसके पास सैलरी है, गाड़ी है, लेकिन फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है। वो चाहता है ही वॉन्ट टू फील गुड अबाउट हिज ओन वैल्यू और इम्पोर्टेंस, ठीक है। वो चाहता है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें, वो चाहता है कि लोग उसे उसे सराहने, रश्क रश्क भरी निगाहों से देखें, ठीक है। एग्जैक्टली ही वॉन्ट्स टू बी अ प्रोमिनेंट पर्सन। तो प्रोमिनेंस जो है बेसिकली आपकी एस्टीम नीड्स के थ्रू होती है। प्रोमिनेंस जो है ये एस्टीम नीड्स के थ्रू आप अचीव करते हैं। नहीं, देखें कहीं ना कहीं आप जब अपनी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर रहे होते हैं तो शो ऑफ का फैक्टर तो बीच में होता ही है ना, शो ऑफ का फैक्टर तो बीच में होता ही है। आप जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज हैंड बैग्स हैं, बड़े बड़े महंगी कंपनीज के हैंड बैग्स हैं, ठीक, ब्रांडेड हैंड बैग्स हैं। क्यों लोग परचेज करते हैं? क्योंकि दे वॉन्ट टू मूव इन दैट सर्कल, दे वॉन्ट टू लेट अदर्स नो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी प्रोमिनेंट एज वेल, दे वॉन्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो एज वेल। तो जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे फिर इंटरप्ले करते हैं, ठीक है। चले, गुड लक फॉर योर वीकेंड। हाँ एग्जैक्टली, नहीं नॉट नेसेसरली, देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं। इफ यू वॉन्ट टू बी समथिंग, तो अगर आप अपने लिए चाह रहे हैं तो फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अगर आप दूसरों के लिए चाह रहे हैं तो फिर ये एस्टीम। और मैं आपको बताऊं, नॉर्मली एस्टीम नीड्स आर ड्रिवन मटीरियलिस्टिकली, एस्टीम नीड्स के अंदर मटीरियल ज्यादा होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में मटीरियल नहीं होता। तो आप ये डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं कि जिन चीज़ों में आपकी मोटिवेशन मटीरियल है ना, तो समझ जाएंगे वो एस्टीम नीड्स है, और जिन चीज़ों में आपकी मोटिवेशन नॉन मटीरियल है वो समझ जाएंगे वो आपकी सेल्फ, हाँ, रिलेटेड टू योर सोल, इनर सेटिस्फेक्शन। अभी आगे जाके बात करेंगे, मैं क्लीलैंड की नीड थ्योरी आएगी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी पावरफुल तो ये एस्टीम नीड में आती है ना, क्योंकि पावर किसको दिखानी है, लोगों को दिखानी है ना। अगर एक बंदा पावरफुल होना चाहता है तो ये सेल्फ फुलफिलमेंट नहीं है, ये एस्टीम नीड सेटिस्फाई। देखिए पावर किसके लिए है, पावर दुनिया को दिखाने के लिए होती है ना। आपने लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास कितने लोग हैं, मेरी मेरी कितनी यू नो वर्थ है मेरी, ठीक है। दैट इज योर एस्टीम नीड, ये आपकी एस्टीम नीड है। आई एम एक्चुअली ग्लैड डेट यू आर यू ऑल आर थिंकिंग, और दिमाग बढ़ाएं और एग्जाम्पल्स निकालें, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह सोच के कि किस तरह मोटिवेशन के डिफरेंट पहलू जो हैं वो आपको ड्राइव कर रहे होते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस ऑन मंडे होपफुली, ठीक है जी। एंजॉय योर वीकेंड, सी यू ऑन मंडे, अल्लाह हाफिज़।